पशु, पक्षी या इंसान, किस योनि में होगा आपका जन्म? क्या कर्म के आधार पर तय होता है मनुष्य का अगला जन्म? कर्मों से जाने अगले जन्म में क्या हो सकते हैं आप? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के जन्म के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, तो क्या समस्या है? इस आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी, डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौंच योनि में जन्म मिल सकता है? तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास ने ऋषियों से पूछा, किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है? तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास ने यह भी कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़ के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है, यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा कर दे तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।